सर जो है नहीं है, कहीं गए हुए हैं। कल शाम को धरना प्रदर्शन हो रहा था, मनीष कश्यप थे उस समय, 6 से 7 लोग, पूर्णिमा भारती, मैं, हमारे आर्मी जवान के ससुर जी और बाकी सब लोग गए थे एसपी आवास के दरवाजे पे, और वहाँ फोन पे बात हुआ था। और हमारे एसपी साहब जो है वो बोल रहे हैं कि वो अथी पे है, क्या कहते हैं, छुट्टी पे है। अच्छा, छुट्टी पे है। अरे भाई, एक बार चल के बात हुआ था, फोन से बोले थे कि हम अपने अधिकारी को भेज रहे हैं, अभी हम छुट्टी पे हैं, हम अधिकारी को भेज रहे हैं, वो आके जो है मामला समझेगा और जो होगा उस पर कार्रवाई में घर से बैठे बैठे करूंगा। तो उनके अधिकारी आए थे, 2-3 घंटा बाद आए। अच्छा, अब पता है क्या बोले कि कल शाम तक जो आर्मी जवान को रिहा कर दिया जाएगा, लेकिन हमको भरोसा नहीं है। और एक चीज़ है, कोई आपको कहेगा ये कीजिए वो कीजिए, कोई भी बयानबाजी देगा, गाली देगा, सेना को गाली देगा, पुलिस को गाली देगा, राजनेताओं को गाली देगा, उससे बचे, क्योंकि हमको शांतिपूर्ण तरीके से पता क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ आर्मी जवान को रिलीज करना है, हमको रूई भी नहीं फेंकना है, हमको फूल भी नहीं फेंकना है। बताइए कि जब आर्मी जवान को जेल में कर दिया गया गाली देने के लिए, तो वहाँ पे जो है जो पुलिस मारे उसको, उसको भी तो जेल में होना चाहिए था ना। लाइन हाजिर किया गया है, बहुत आसान तरीका है, लाइन हाजिर कर दो। और लेकिन हाजिर करने से कुछ नहीं होने वाला है, उसको मुअत्तल किया जाए, नौकरी से हटाया जाए, नहीं तो हम भारत की अखंडता दूसरी बार लाइन पर प्रहार है। पहला लाइन है हाजिर मुख्यार किया गया, और जब कांड पता चला हमारे उच्च अधिकारी को, तो फोन किए होंगे जितेंद्र जी। हाँ सर, बोलिए ना सर, क्या हुआ है सर। तो जितेंद्र जी, ऐसा है, आपके ऊपर हम लाइन हाजिर कर रहे हैं, आप बगल में नेपाल है, 5 मिनट लगेगा, बॉर्डर पार कर जाइए और जाइए हनुमान वगैरह मनाइए, आइए, उसके बाद जो है आपका कुछ फिर से जो है ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा। ऐसे बोले थे, ऐसा हुआ होगा, इसकी गारंटी नहीं है कि बोले। लाइन हाजिर का मतलब होता है छुट्टी, लाइन हाजिर का मतलब छुट्टी, निष्कासित नहीं होता। लेकिन जरूरी है, आर्मी जवान को मारा गया है, जिसने मारा है उसका क्या किया जाए, आप लोग बताइए। हमेशा के लिए सस्पेंड कर दिया जाए, नौकरी से मुअत्तल किया जाए, नौकरी से हटाया जाए उसको, जब तक नौकरी से हटाया नहीं जाता है। इसलिए क्योंकि देखिए, वो रहेंगे तो फिर से किसी को मारेंगे, फिर से किसी को गाली देंगे। सोचिए, आर्मी को जब मार सकते हैं तो आम पब्लिक की क्या हाल होगा। ये भारत की अखंडता भी आप मुद्दा पर रहा है, घोड़े पर बैठा के घर तक लेकर चलेंगे, 30 किलोमीटर पैदल चलना पड़े तो लेकर चलेंगे, और हमारे आर्मी जवान के सम्मान में हम लोग लड़ेंगे जब तक उनको रिहाई ना मिले। भैया, कुछ लोग आपको बोल रहे हैं कि आप पैसा लेकर वीडियो बनाए हैं, 1 लाख रुपया लेकर बोला जा रहा है कि हम वीडियो बनाए हुए हैं। कहेला पैसा भैया, कहेला किससे पैसा। अगर हम वीडियो बनाए होते ना तो पता है हम गायब हो जाते, मस्त जाते भैया, वीडियो बनाए होते ना तो शिमला में जाके मस्त ठंडा ठंडा हवा वादियों का आनंद लेते। रिलीज किया है उसको डिलीट कर दो, वो हमारे रिलेटिव है, ऐसा मत करो, ऐसा करेगा हमारे दोस्त क्लासमेट है, नाम नहीं रखना चाहिए, क्या कि वो दोस्त भी है, ठीक है। तो उन्होंने फ़ोन किया कि ऐसा मत करो, वीडियो डिलीट कर दो, ठीक है, तुम गलत काम कर रहा है। लेकिन उससे पहले फ़ोन आया था कि हमारे जो सर है, सर वो थाने में बुला रहा है, तुम्हारा नाम क्या है, तो सुनील कविराज, इंडियन टाइम्स न्यूज से तुम ही हो, कहा भैया हम इंडियन टाइम्स न्यूज से है, तो ऐसा सर बुला रहे हैं, आइए हमारे ऑफिस में मीडियावा तक दिखाइए, रिया करो, सस्पेंड करो। आपका क्या ख्याल है कि जब वाहन चेकिंग के दौरान, ये तो सुनील कविराज, इन्होंने रक्सौल में जब आर्मी जवान को पीटा जा रहा था तो वहाँ पे फर्स्ट ये वीडियो बनाए थे, और इन्हीं के दौरान जो आज एक कैंपेन चल रही है, इन्हीं के माध्यम से चल रही है। हालांकि इसके बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में। निरंकुश सरकार में बैठे हुए मुलाजिम जो है
जो थाना प्रभारी और थाना के जो अधिकारी हैं उसको पुलिस हम लोग नहीं कह सकते हैं, उसको दलाल कह सकते हैं, दलाल काम को इसको सस्पेंड किया जाए, नौकरी से मुअत्तल किया जाए, हटाया जाए, जब तक हटाया नहीं जाएगा।